ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्या लगाऊं मैं अपने बालों में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे बाल इतने ज़्यादा पतले हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा होने लगे हैं मुझसे आजकल, बहुत ज़्यादा। जो भी मिलता है बस यही पूछता है कि क्या करूं मैं अपने बालों का। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद केवी। मैं हूँ आप लोगों के साथ में केवी, एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपके साथ में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर किए हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को मैं खुद यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अफोर्डेबल लगता है, तो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। आज के इस प्रोडक्ट को मैंने स्पेशली खुद यूज़ नहीं किया है, मेरे फैमिली मेम्बर में मेरे भैया ने यूज़ किया है। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने बालों के टूटने झड़ने के लिए मोस्टली अनियन जूस लगाती हूँ DIY, या फिर DIY हेयर ऑयल लगाती हूँ, लेकिन मेरे भैया के पास में इतना सारा टाइम नहीं होता कि वो ये DIY लगाएं, इसलिए मैंने उनके लिए एक बहुत सही वाला रेडीमेड सॉल्यूशन हेयर ऑयल मंगवाया, एंड वो अभी 2 महीने से यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिला है इस अनियन हेयर ऑयल का, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ में भी शेयर कर दूं, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोगों के पास में इतना सारा टाइम नहीं होता कि वो DIY लगाएं। जिनके पास में टाइम है वो तो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर से बाहर काम रहता है और वो अनियन जूस लगाकर अपने हेयर्स पे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगेगा, बहुत ही गंदी वाली स्मेल आती है अनियन से। तो आज मैं आपके साथ में एक रेडीमेड सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही सही वाला हेयर ऑयल है। फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस अनियन हेयर ऑयल की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। देख सकते हैं आप, इसकी आउटर पैकेजिंग है एंड ये इसकी इनर पैकेजिंग है। फ्रेंड्स, ये हेयर ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 2 दिन यूज़ करने के बाद ही मैं आपके साथ में इस हेयर ऑयल को शेयर कर रही हूँ। पूरे 2 महीने यूज़ करने के बाद इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वैसे भी ये वाओ का प्रोडक्ट है एंड वाओ के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि इसमें है आलमंड्स ऑयल, कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई। इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन है ये वाला हेयर ऑयल। एंड ऑल्सो जो सबसे मेन चीज़ है इसमें, अनियन ब्लैक सीड का ऑयल जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो मार्केटिंग प्राइस है वो है 599 रुपीज, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे खासा डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेज किया था तो ये मुझे बहुत ही अच्छे खासा डिस्काउंट पे मिला था। ये मुझे मिला था 349 रुपीज में, 349 रुपये में मिला था, एंड इसका जो रिजल्ट्स है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो 349 रुपये इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगा, काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है, आपको 200 ml की क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर आप एक बॉटल इसे परचेज करते हैं ना तो आप काफ़ी लंबे समय तक इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये वाले हेयर ऑयल को लगाएंगे और 2 से 3 दिन के बाद ही आपके हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी। आपको कम से कम इसे 2 से 3 हफ्ते बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाना है, उसके बाद आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट होगा, एंड 2 से 3 महीने लगाने के बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एक बार ट्रस्ट करके देखिए और ये वाला हेयर ऑयल लगाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हेयर ऑयल है। बिल्कुल अच्छे से अपनी फिंगर टिप की हेल्प से अपनी स्कैल्प पे जेंटली मसाज करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट, ताकि आपके स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो सके। बहुत सारे लोगों को सामने से हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको एक अच्छा खासा मसाज देना है अपने सामने वाले पोर्शन को, ताकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके और आपका हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो सके। ये वाला हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा ग्रीजी नहीं लगेगा, बिल्कुल लाइट वेट हेयर ऑयल है। इसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं है, कोई सिलिकन नहीं है। इस हेयर ऑयल को लगाने से आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, हमने ये वाला पहले मंगवाया था, इसे यूज़ करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा मिल रहा था, इसलिए हमने ये दोबारा भी मंगवाया है। ये पूरा ख़त्म हो चुका है, इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे लगाने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, इसलिए हमने ये वाला भी मंगवाया, एंड ये भी ऑलमोस्ट इतना ख़त्म हो चुका है। आप भी ये वाले हेयर ऑयल को ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। हफ्ते में आपको 2 दिन लगाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, लापरवाही नहीं करनी है। इस बार टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। अगर आपके पास में टाइम रहता है, आप DIY कर सकते हैं, तो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियो शेयर किए हैं
जहाँ पर मैंने आपको DIY हेयर ऑयल, DIY हेयर टॉनिक बनाना बताया है, यूज़ करना बताया है, तो आप वो वाला ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं रहता है, आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए, तो ये वाला हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें पंप वाला सिस्टम है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको जितना ऑयल लगाना है सिर्फ आप उतना अपने पाम पे लीजिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से फिंगर टिप की हेल्प से आप मसाज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं मेरे आने वाली वीडियोस में आप में से किसी एक पर्सन का नेम लेने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं जिस पर्सन का नेम लेने वाली हूँ वो है जॉब इन्फो हब। इन्होंने लिखा है, धन्यवाद, आपकी टिप्स सच में उपयोगी है, दादी के नुस्खे के जैसे। तो थैंक यू सो मच डियर। मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी आप में से किसी एक पर्सन का नेम लेने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नेम लूँ, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे हिट करना है, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है जहाँ से मैं आपके नेम को पिक कर सकूँ। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।